गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करते थे स्पेशल पावर ऑफ द कोर्ट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक पावर दे रखी है कोर्ट को कि वो दे कैन आस्क, कोर्ट कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी विटनेस एनी पार्टी एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑर्डर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स थिंग्स आर्टिकल एक्सेट्रा। ठीक है, बट देर आर सर्टन लिमिटेशन ऑल्सो, कुछ लिमिटेशन दे रखी है कोर्ट को, लिमिटेशन के दायरे के अंदर रह के वो काम करना है। और मैंने कुछ डिक्टेशन भी आपको दे दी थी, फुल डिक्टेशन ऑफ सेक्शन 165। बट टूडे वी विल डिस्कस हियर सेक्शन, ऑलरेडी मैं हमने कल बताया था आपको कि सीआरपी के सेक्शन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम सेक्शन 311 सीआरपीसी का सेक्शन 311 मीन्स 311। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ स्पेशल पावर ऑफ द कोर्ट। ये भी एक स्पेशल पावर ऑफ द कोर्ट है, बिकॉज जब आप 165 में को विटनेस को एग्जामिन करना चाहते हो तो समनिंग कहाँ पे होगी? सेक्शन 311 सीआरपीसी में समन कर सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक जो रूल है सेक्शन 311 सीआरपीसी, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, प्लीज डायरेक्ट में एक बार देखना, उसके बाद हमने नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। हल्का सा हमने कल इसको थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया था, ठीक है, बट लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हमने इसको पूरा नहीं कर पाए। देन लेट्स सेक्शन 311 पावर टू समन मटेरियल विटनेस, मींस मटेरियल विटनेस एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट एनी कोर्ट में। पहले तो देखो, मैंने कल भी बताया था कि एनी कोर्ट, एनी कोई भी कोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट के पास पावर, चाहे वो जेएमएससी 1 या 2 है या फिर सीजेएम है, एडीजे है। एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट मतलब सीआरपीसी के, समन एनी पर्सन एज अ विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन एज अ विटनेस। मतलब एक तो समन कर सकता है जो पर्सन प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए समन करेगा, उसके लिए बुलावा भेजा जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, कोई पर्सन प्रेजेंट है इन कोर्ट में, मतलब कोर्ट में प्रेजेंट है, तो उसको देर एंड देन उसको एग्जामिन कर सकता है कोर्ट। ठीक है, विटनेस और दो नॉट समन एज अ विटनेस और रिकॉल एंड रीएग्जामिन। ये बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन आपने पहले उसको समन कर रखा था और उसको एग्जामिन हो रखा है ऑलरेडी, तो उसको रीएग्जामिन भी कर सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं। एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन, जो ऑलरेडी एग्जामिन, उसको फिर से आप एग्जामिन कर सकते हैं। एंड द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल और रीएग्जामिन एनी सच पर्सन इफ हिज एविडेंस अपियर टू इट टू बी एसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द। देखो, जो सेक्शन 311 है ये डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट मे वर्ड यूज, मे मतलब डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट, एनी कोर्ट में। सेकेंड पार्ट आपका कोर्ट शैल समन, मतलब मैंडेटरी है, मैंडेटरी किन केसेस में, अगर कोर्ट को एक्चुअली लगता है कि दिस इज सच में कोई मटीरियल विटनेस है और वो एविडेंस उसकी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस है किसी केस के लिए, तो वहां पे कोर्ट उसको बुलावा उसको समन करेगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 311। अदरवाइज कोर्ट के पास एक पावर है, वो डिसाइड कर सकता है कि समन और नॉट टू समन टू सच एंड सच विटनेस। ठीक है, वो डिसाइड करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये तो मटेरियल विटनेस है, ये इंपॉर्टेंट विटनेस है, तो फिर वो समन करेगा। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है नो, इट्स नॉट मटेरियल विटनेस, जस्ट हरासमेंट ऑफ द अदर पार्टी या मिस यूज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 311, तो देन कोर्ट रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर? देन नाउ अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं सेक्शन 311। देखो, सेक्शन 311 पावर टू समन, ये बोलता है कि आपके पास पावर है, क्योंकि मैं सीआरपीसी की बात करूं तो सेक्शन 311 है, सीपीसी में आपका अदर प्रोविजन, में कल आपको डिक्टेट करवाए थे प्रोविजन, आप उन प्रोविजन को वहां पे एप्लीकेबल करोगे। अगर आप इस प्रोविजन को समझ गए, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, डायरेक्ट ट्रेडिंग करके ही समझ आ सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे सीआरपीसी पे फोकस करोगे। तो पावर टू समन मटेरियल विटनेस, ये बोलता है पावर टू समन कौन से कैसे विटनेस, मटेरियल विटनेसेस। ठीक है, और एग्जामिन, उनको समन करने का भी पावर है और एग्जामिन करने भी पावर है। एनी पर्सन इन अटेंडेंस, तो
विद समन, अगर कोर्ट समन करता है, ठीक है, जब कोर्ट समन करता है किसी को, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, जब कोर्ट अपने आप से समन करेगा तो उसको हम कोर्ट विटनेस बोलेंगे, ठीक है, और विदाउट समन, हमने समन एज ए विटनेस कॉल नहीं किया बट वो प्रेजेंट था कोर्ट में, आपने उसको एग्जामिन किया डायरेक्ट वहां पे, तब भी वो कोर्ट विटनेस होगा। एक है जहां आपने उसको समन किया, एक जहां पे वो अपियर था कोर्ट में, आपने उसको एग्जामिन कर दिया विदाउट समन, समन तो किया नहीं, वो तो प्रेजेंट था कोर्ट में, देयर एंड देन उसी टाइम उसका एग्जामिनेशन किया, देयर इज नो नीड टू इशू समन अगेंस्ट सच पर्सन, तो देन यहां पे आपका कोर्ट, वो कोर्ट विटनेस होगा, ठीक है, या फिर मींस जो एनी पर्सन जो प्रेजेंट इन द कोर्ट है उसकी बात करो विदाउट समन, ठीक है, और जो कोर्ट रूम में प्रेजेंट है एंड नॉट समन एज अ विटनेस, को समन एज अ विटनेस किया, कॉल हिम एज अ विटनेस और एग्जामिन, उसको एज अ विटनेस कॉल किया एंड देन एग्जामिन कर दिया, ठीक है, तो आफ्टर दैट रिकॉल, आप रिकॉल भी कर सकते, ये तो हो गया, आप फ्रेश कोई समन कर रहे हो, किसी पर्सन को पहली बार समन कर रहे हो, या फिर आप विदाउट समन यहाँ पे कर रहे हो एग्जामिन। रिकॉल का मतलब है जो ऑलरेडी विटनेस है, जो विटनेस आपने ऑलरेडी एग्जामिन, ऑलरेडी एग्जामिन, विटनेस एग्जामिन, ऑलरेडी एग्जामिन, जो ऑलरेडी एग्जामिन हो रखे हैं पहले और बाद में कोर्ट को लगता है कि इसको दोबारा फिर से इसको एग्जामिन करना चाहिए, तो उसके लिए भी रिकॉल कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, तो अगेन समन इशू टू हिम, एक बार तो पहले समन किया होगा, उसके बाद उसको एग्जामिन किया, आफ्टर द कोर्ट को लगता है कि जब कोर्ट ने उसके एविडेंस पड़े कि अच्छा इसको फिर से एग्जामिन करना चाहिए, तो उसके लिए फिर से समन इशू कर दिया कोर्ट ने, ठीक है, कोर्ट को लगता है तो, और वो डिस्क्रिशन पावर कोर्ट के पास है और कोर्ट को लगता है कि मटेरियल विटनेस है, देन वो समन इशू कर सकता है, एंड एग्जामिन टू हिम अगेन, रिकॉल और री एग्जामिनेशन, कोर्ट शैल समन, तो अगर कोर्ट को लगता है मटेरियल है देन कोर्ट शैल समन, और एप्लीकेशन एक तो कोर्ट अपने आप से भी कर सकता है, दूसरा पार्टी के पास भी राइट है, बोथ पार्टी, ठीक है, अब जनरल क्या होता है सेक्शन 311 में, आपका सेक्शन 311 में समन टू, समन टू एनी विटनेस, एनी विटनेस कोर्ट ऑन अपने आप से, ऑन प्रेरोगेटिव, मतलब जिसको हम सुओ मोटो बोलते हैं, बाय कोर्ट, किसी पार्टी ने अप्लाई नहीं किया समन के लिए कि हमने एग्जामिन करने से, कोर्ट अपने आप से एग्जामिन करना चाहता है, तो कोर्ट के पास एक बिग पावर, एक स्पेशल पावर है, कोर्ट भी कर सकता है समन, तो वो समन कहां पे जाएगा, 311 सीआरपीसी, ठीक है, तो इसको बोलेगा हम कोर्ट विटनेस। अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछे कि कोर्ट विटनेस, तो आप बोल सकते हैं जब कोर्ट खुद से कोई किसी पर्सन को समन करता है, अपने आप से सो मोटो समन करता है, तो उसको हम बोलेंगे कोर्ट विटनेस। सेकेंड थिंग, प्रोसिक्यूशन, अगर मान लो प्रोसिक्यूशन ऑफ मे अप्लाई, मे फाइल या अप्लाई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी, प्रोसिक्यूशन भी 311 के अंदर सीआरपीसी में कि मुझे ये विटनेस को फिर से एग्जामिन करवाना है, या लेटर स्टेज पे, जनरली क्या होता है कि अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि 311 एप्लीकेबल कब होता है, कौन सी स्टेज पे मैक्सिमम एप्लीकेबल होता है कोर्ट का, तो प्रोसिक्यूशन भी अप्लाई कर सकता है, कोर्ट अपने आप से भी बुला सकता है, तो पार्टी, प्रोसिक्यूशन पार्टी हुआ ना, विक्टिम के जो प्रोसिक्यूशन है वो भी अपना अप्लाई कर सकता है, दैट विटनेस अपीयर इन द कोर्ट, आफ्टर दैट जब समन होगा उस विटनेस को, उस एप्लीकेशन अप्लाई करेगा, अभी एप्लीकेशन पे कंसिडरेशन होगा, कोर्ट को लगता है कि मटीरियल विटनेस को ऑर्डर कर देगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है, तो ये डिस्कशन पाउट, आफ्टर दैट अगर मान लो कर दिया तो उसको पीडब्ल्यूएस बोलेंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस बोलेंगे, 311 सीआरपीसी, समनिंग की पावर यहां पे, एंड आफ्टर दैट डिफेंस, डिफेंस में समन टू विटनेस, अंडर सेक्शन 311, मतलब डिफेंस भी यहाँ एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में, और डिफेंस की एप्लीकेशन को कोर्ट हर्ड करेगा, कंसिडरेशन करेगा, आफ्टर दैट कोर्ट को लगता है कि नो
ये मटेरियल रिटर्न से तो डिफेंस के अगर एप्लीकेशन अलाउ कर देता है तो उसका समान हो जाएगा, अगर रिजेक्ट कर तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो डिपेंड अपॉन द कोड जिसको हम डीडब्ल्यू बोलते हैं। तो डिफेंस के फिटनेस को क्या बोलते हैं, डीडब्ल्यू। ठीक है, देन आफ्टर, अब स्टेज कौन सी आती है, अब ये कब प्रोसिक्यूशन अप्लाई करेगा, कब डिफेंस अप्लाई करेगा, कब कोर्ट पर। देखो जनरली तो लिखा एनी एनी स्टेज, एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर जब आप ट्रायल देखते हो, कभी भी जब ट्रायल चल रहा है, जनरली क्या होता है, मान लो मैं कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कोर्ट ऑफ सेशन का एग्जांपल ले लूंगा, बाकी आप समझ जाओगे। तो जब ट्रायल स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल आपका सेक्शन 225 सीआरपीसी में दिया हुआ है, 225 से 237 सीआरपीसी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है। अब जब ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या है, एविडेंस लेना है। ट्रायल में क्या होता है, एविडेंस प्रोसीडिंग होती है, विटनेसेस जाएंगे, प्रोसिक्यूशन फर्स्ट आपका फर्स्ट नंबर पे किसके विटनेस आते हैं, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस। बट अब एक चीज ध्यान रखना, सीआरपीसी के अंदर जो चैप्टर नंबर ट्रायल वाला चैप्टर है 225 से लेकर 227, तो जब इनकी बात टर्न होगी, फर्स्ट टर्न किसकी है, प्रोसिक्यूशन। जब उसका एक स्टेप है कि पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, तो समनिंग भी इन्हीं सेक्शन के अंदर होगी, तब 311 यहाँ पे जरूरत नहीं है 311 को अप्लाई करने की, क्योंकि जबकि वहां पे प्रोविजन दे रखा है ट्रायल में, कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में, इस 225 से लेकर 237 के बीच में प्रोविजन दे रखा है, जब प्रोसिक्यूशन का एक सेक्शन दिया हुआ है तो उसी सेक्शन में वो समनिंग ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो टर्न है उनकी, उनकी टर्न आई है तो किसकी पर, प्रोसिक्यूशन की। आफ्टर दैट प्रोसिक्यूशन का जब एविडेंस क्लोज होगा, फिर उसके बाद किसकी टर्न आती है, डीडब्ल्यूसी की, और डीडब्ल्यूसी के लिए भी सेकेंड टर्न किसकी है, आफ्टर द प्रोसिक्यूशन विटनेस ओवर गेट ओवर, आफ्टर दैट डीडब्ल्यू स्टार्ट, डीडब्ल्यू के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप भी डिफेंस में अपने विटनेस लाओ, तो वो विटनेस लाने का, जो विटनेस को समन करेगा, तो वो भी, वो प्रोविजन भी 225 से लेकर 237 के बीच में है। ठीक है, वो पर ऑलरेडी दिया हुआ, क्योंकि ट्रायल इसके अकॉर्डिंग ही होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जब ट्रायल होता है तो इन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, और जब हम ट्रायल पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जब सीआरपीसी में, तो आपको 311 की जरूरत नहीं है अभी, अब 311 के लिए अप्लाई नहीं करोगे, ना तो प्रोसिक्यूशन अप्लाई करेगा ना ही डिफेंस, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टर्न है उनकी, तो जब उनकी बारी है अपना एविडेंस प्रोड्यूस करने की, तो वहां पे प्रोविजन भी दिया हुआ है, उस ट्रायल जो प्रोसीडिंग है 225 से लेकर 227, वहां पे प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है कि आपकी टर्न है, आप इस सेक्शन के अंदर आपका ऑर्डर होगा समन समन का। ठीक है, तो डिफेंस का। आफ्टर दैट क्या होता है, इनका जब ये क्लोज हो जाता है दोनों, जब क्लोज एविडेंस क्लोज, जब इनकी टर्न थी तो उस टर्न में तो 225 से लेकर 237 एप्लीकेबल होगा, बट आफ्टर दैट क्या होता है, मान लो अब प्रोसिक्यूशन को लगता है, जब DW1 क्लोज हो गए, अब प्रोसिक्यूशन को लगता है कि कोई एक विटनेस रह गया, उसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जब उसकी टर्न थी, वो वाला प्रोविजन तो ओवर हो गया। ठीक है, अब वो वहां पे नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा, 311 CR, अब उसको 311 CRPC की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मतलब जब आपका आउट ऑफ टर्न ऑफ द पार्टी, जब आउट ऑफ टर्न ऑफ द पार्टी, या प्रोसिक्यूशन की टर्न ओवर होगी, या तो उसी टाइम बुलाने चाहिए थे जब आपको मौका दिया था, आपको मौका दिया था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट आपने विटनेस को नहीं बुलाया। ठीक है, तो इट्स योर मिस्टेक, बट आफ्टर दैट यू कैन कॉल अ विटनेस, बट नॉट अंडर द सेक्शन 225 और 237, बट अंडर सेक्शन 311 CRPC। तो आपको यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को 311 CRPC की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उस पर कंसिडरेशन होगा, आफ्टर दैट कोर्ट को लगता है कि ठीक है ये मटीरियल विटनेस है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपका सरकमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, वैसे ही डिफेंस विटनेस, जब भी आपने टर्म के बाद जब इसको अपॉर्चुनिटी दी, तब तो उसने वो विटनेस नहीं किया, या फिर कोई न्यू विटनेस कर रहा है, या फिर कोई ऑलरेडी उन्हें कर रखा है एग्जामिन विटनेस, जो जब टर्म दी उस टाइम कर रखा है, उसको फिर से करना चाहते हैं, फिर से उसको री एग्जामिन कर, तब भी उनको 311 में फिर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आउट ऑफ टर्न यहाँ पे उनका, जब ट्रायल ओवर हो जाता है उसके बाद ये एप्लीकेशन लगेगी 311। ठीक है, जनरली जनरल रूल क्या है आपका,
एनी टाइम एनी कोड, ठीक है। बट अब सबसे बड़ी बात है इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन कैसे, इतना समझ आ गया आपको यहाँ तक कि टर्न कब आएगी इसकी, ठीक है, 311 की। अब हम देखेंगे, अब देखो 311 क्या बोलता है, ये एग्जामिनेशन की पावर की बात नहीं कर रहा है, पावर टू समन, लेकिन एग्जामिनेशन कहां पे होगा कोर्ट का, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जब कोर्ट एग्जामिन करेगा कहां करेगा, 165 इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे जो पार्टी है, पार्टी ऑब्वियसली पार्टी भी पार्टी के लिए तो राइट है एग्जामिन करने का और क्रॉस एग्जामिन का, बट मैं 165 को यहाँ क्लब टूगेदर करूंगा, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज 311 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द 165 में समनिंग करने की पावर नहीं है विटनेस को, क्योंकि प्रोसीजर कैसे चलेगा 311 के अकॉर्डिंग। तो अगर कोर्ट को कोई विटनेस बुलाना है, कोर्ट को कोई एग्जामिन करना है किसी पर्सन को, तो वो कर सकता है, कर सकता है, पावर कहां दिया है 165 में, वो कर सकता है, क्वेश्चनिंग की कर सकता है, चाहे रेलेवेंट इरेलेवेंट का। तो लेकिन वो पावर समन करने की पावर कहां दी है 311 में, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है यहां पे। तो समन इशूड अंडर सेक्शन 311, समन इशू होगा 311 में, बट एग्जामिनेशन डन अंडर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस, ठीक है। ये तो पार्टी के लिए होगा, अगर पार्टी ने मान लो सपोज ए एन बी पार्टी है, ए ने अप्लाई किया 311 आफ्टर द आउट ऑफ टर्म, तो उसने अप्लाई किया, आफ्टर दैट क्या होगा, समनिंग कहां पे होगा 311 में, अगर उसकी अप्लीकेशन अलाउ होगी, बट जो एग्जामिनेशन होगा वो तो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ होगा, ठीक है। बट बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट एग्जामिन करना चाहता है, मान लो सपोज कई बार क्या होता है कि पार्टी ही बुला लेती है 311, ए एन बी पार्टी है फॉर एग्जाम्पल, बी पार्टी है, ए ने अप्लाई किया 311 की एप्लीकेशन लगाई सीआरसीसी, ठीक है, और कोर्ट ने अलाउ कर दी, आपकी कोर्ट ने अलाउ कर दी, आफ्टर दैट अब विटनेस कोर्ट में आया, विटनेस को एग्जामिनेशन होगा, एक एग्जामिनेशन कौन करेगा, जिसने बुलाया पार्टी एग्जामिन करेगी, जिसने बुलाया ना, जिसने एप्लीकेशन दी, पार्टी चाह रही थी उसको एग्जामिन करना, तो पार्टी समनिंग की समन तो 311 में ही होगा, चाहे पार्टी हो चाहे कोर्ट हो, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन कहाँ होगा, पार्टी के लिए, मतलब जो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द अंडर एविडेंस एक्ट, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 137, 138, अब कोर्ट कौन से सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडियन एविडेंस 160, ठीक है। उसी विटनेस से कोर्ट ने नहीं बुलाया, वो बुलाया किसने, पार्टी ने बुलाया, बट कोर्ट भी वहां पे क्वेश्चनिंग कर सकता है। अब समनिंग कौन से सेक्शन में हुई, 311 में, बट अब पार्टी के लिए तो है 137, 138, वो चीफ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन, तब वही प्रोसीजर चलेगा, लेकिन कोर्ट के पास पावर है 165, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देन व्हाट इज द टेस्ट, यहाँ पे जब भी आप 311 की एप्लीकेशन लगाते हो, ऑब्वियसली वन डिस्क्रिशनरी पावर होता है समन टू विटनेस और नॉट, ठीक है, बट व्हाट इज द टेस्ट, टेस्ट इज द एविडेंस ऑफ विटनेस, सच विटनेस जो आपने अप्लाई किया कि इस विटनेस को रिकॉल करना है, री एग्जामिन करना है, एक्सेट्रा, अपीयर नेसेसरी फॉर जस्ट जस्ट एंड प्रॉपर डिसीजन, ठीक है। अगर आप लोग टू डू कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, मतलब कंप्लीट जस्टिस देने के लिए मटीरियल विटनेस का कोर्ट वहां पे समन करेगा, यही एक टेस्ट रहता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन लगाते हो, आपको यही प्रूव करना होता है कि ये मटेरियल विटनेस है, अगर हम इस विटनेस को प्रूव प्रोड्यूस करते हैं, समन करते हैं, तो वहां पे मटेरियल जो है वो हेल्प करेगा कंप्लीट जस्ट, अदरवाइज अगर हम इसको समनिंग नहीं करते हैं तो मतलब एक तरह से राइट प्रेजराइज हो सकता है। तो आपको यही कंसिडरेशन करनी होती है इस एप्लीकेशन में जब आप कोर्ट में लगाते हो। तो इसमें एसेंशियल ऑफ समन जो 311 का है वो यही है कि आपका समन फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो किसी, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलरेडी एग्जाम उसी को, आप फर्स्ट टाइम भी किसी को कर सकते हो 311 में। सेकेंड थिंग, रिकॉल कर सकते हो, री एग्जामिनेशन करते हो, या फर्दर एग्जामिनेशन करना है किसी पर्सन का।
ठीक है, ऑब्वियसली कोर्ट हैज पावर टू सो मोटो, कोर्ट 311 में सो मोटो भी समन इश्यू कर सकता है एंड विटनेस को जो विटनेस को है उसको ऑर्डर कर सकता है सबने का फॉर एग्जामिनेशन, और जो पार्टी है पार्टी की एप्लीकेशन पे भी पार्टी के पास भी राइट है वो भी 311 में आउट ऑफ टर्न, ठीक है आउट ऑफ टर्न वो अप्लाई कर सकते हैं, बट कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है एंड देन बट 165 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जब 165 में कोर्ट क्वेश्चनिंग करता है उस उन क्वेश्चनिंग के अगेंस्ट पार्टी हैज नो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लेनी होती है उस चीज के लिए, ठीक है क्लियर हो गया समझ आ गया यहाँ पे, पहले थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे सेक्शन 311 सीआरपीसी, सेक्शन 311 सीआरपीसी इज द प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू सेक्शन टीओ टू सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट, the examination of the examination of a witness, the examination of a witness by a party is done under the relevant provision, is done under the relevant provision of the Indian Evidence Act and by the court under section 165 Indian Evidence Act, whereas full stop, whereas the power to summon, whereas the power to summon such witness, whereas the power to summon such witness is derived from CRPC, and that is the complementary between the is the complementary between the Evidence Act or CRPC, particularly ₹165 Indian Evidence Act and Section 311 CRPC. Next paragraph. Section 311 CRPC. Section 311 CRPC give discretionary power. Give discretionary power to the court. Power to the court to summon. Power to the court to summon our witnesses. Of witnesses for examination or even a resummon the witness, resummon the witness for the re-examination, resummon witness for the re-examination or further examination. The guideline laid down is the guideline laid down is the witness shall be summoned, laid down is the witness shall be summoned or recalled
if the evidence of such witness as appear to be necessary for a just and proper decision in a case, thus it is for the court to examine in light of fact and issue or relevant fact and issue or relevant fact as to whether the evidence of such witness essential or not. अगली लाइन करना है, हेडिंग बनाते हैं. The following situation may falls under. The following situation may falls under section 311 CRPC. Number one, the court suo motu may summon. The court suo motu may summon a witness. The court suo motu may summon a witness without any application by a party. Such a witness will be called a court witness. Called a court witness as he has not been got summoned. As he has not been got summoned by any party. Full stop. The court itself will examine such a witness. Under section 165, Indian Evidence Act. Under section 165, Indian Evidence Act. And the party concerned will not have a right. Will not have a right to cross examination the witnesses. Cross examination the witnesses. Rather, upon the application by a party, the court may allow such cross examination. The court may allow such cross-examination next second point. Even a party may apply for summoning of witness
such application normally, such application normally is made, application normally is made under the other relevant provision, normally is made under the other relevant provision of CRPC, relevant provision of CRPC, but the party concerned may at a subsequent stage, party concerned may at a subsequent stage also applied for summoning, also applied for summoning of a witness, of a witness under section 311 CRPC, under section 311 CRPC. Next paragraph. The court may in his discretion, the court may in his discretion, if it finds, if it finds the witness examination, if it finds the witness examination to be essential, witness examination to be essential, may summon the witness, may summon the witness. Such witness will be examined, such witness will be examined on the application of party, on the application of party, the opposite party will have, the opposite party will have a right to cross examination of such witness. Full stop. Even the court may examine the witness, even the court may examine the witness under section 165 Indian Evidence Act on these questions, which were asked by the court, asked by the court, the party does not has a right, the party does not has a right to cross examination. A right to cross examination. Rather, the court may permit, rather the court may permit as per his discretion, as per his discretion. Clear? Then now, note down of case law on this point, very important case law. Zahira Habibullah H. Sheikh versus State of Gujarat,
2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस को हम वेस्ट बेकरी केस भी बोलते हैं। पीटी पर्पज में आ सकते हैं कभी बार। ठीक है, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन अरोज, कैन अ पार्टी बी अलाउड टू रेक्टिफिकेशन एज मिस्टेक। नोट ऑन क्वेश्चन, नोट ऑन। कैन अ पार्टी बी अलाउड टू रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक। कैन अ पार्टी बी अलाउड टू रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक इफ नॉट गेटिंग अ विटनेस। If not getting a witness summon earlier by using the provision of section 311 CRPC, इसका मतलब क्या ये rectification तो नहीं है? मान लो suppose जब आपका trial start होता है तो फर्स्ट टर्न किसके, प्रोसिक्यूशन की, और प्रोसिक्यूशन मस्ट, और जितने भी विटनेस है ऑल विटनेस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, जितने भी एविडेंस है, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज, जब डिफेंस की बारी आती है डिफेंस एविडेंस, आफ्टर डिफेंस एविडेंस क्लोज, अब मान लो यहां पे प्रोसिक्यूशन 311 के थ्रू किसी विटनेस को री एग्जामिन करना चाह रहा है या समन करना चाह रहा है, क्या ये उसकी रेक्टिफिकेशन तो नहीं है? मतलब जो उसने अर्लियर गलती की आफ्टर द डिफेंस, जब उसको पता चला वो मैंने तो ये गलत विटनेस एग्जामिन कर दिया, मैंने ये एग्जामिनेशन नहीं किया था, मुझे करना चाहिए था, ठीक है, क्या ये रेक्टिफिकेशन तो नहीं है? बट दिस इज नॉट रेक्टिफिकेशन हेल्ड इन अ केस, केस लॉ लिखना, इट्स नॉट रेक्टिफिकेशन, इट्स डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, बिकॉज़ कोर्ट हैज वेरी वाइड डिस्क्रिशन पावर हियर 311 में। अब कोर्ट 311 में ऐसा तो नहीं है कि आप सब एप्लीकेशन लगाओगे समन हो जाएगा, नो, कोर्ट डिसाइड करेगा कि एप्लीकेशन लॉ होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है। जब कोर्ट को लगेगा कि ये किसी केस में रेलेवेंट विटनेस है और ये मटेरियल विटनेस है और इसकी एविडेंस नेसेसरी है या इसका री एग्जामिनेशन नेसेसरी है, यस, अगर आप इस चीज को सफिशिएंटली प्रूव कर देते बिफोर द कोर्ट, देन कोर्ट अलाउ योर एप्लीकेशन, अदरवाइज रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो दिस इज द टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट डिसिशन पावर एंड ऑल डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, बट दिस रिगार्ड अ केस इज राजेंद्र प्रसाद वर्सेस नार्कोटिक सेल 1999 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, प्लीज नोट ऑन। It was held that merely because जब आप एक्चुअली मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, जब जजमेंट लिखते हो ना held के आगे आप एक heading लिख सकते हो ratio of judgment, आप तो दैट हेल्ड लिख लो सारा, ठीक है, क्योंकि ये आपको इफेक्टिव बनाएगा। अब आंसर राइटिंग इस तरह से यूज करोगे आपका ज्यादा मार्किंग होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग एक आर्ट है, आप किस तरह से उसको क्रिएटिव करते हो। तो इट वॉज हेल्ड दैट मेयरली बिकॉज एन ऑर्डर ऑफ सेक्शन 311 सीआरपीसी, ऑर्डर ऑफ सेक्शन 311 सीआरपीसी वुड रिजल्ट would result into a rectification of the prosecution mistake, into a rectification
of the prosecution mistake, the application of Section 311 CRPC, the application of 311 CRPC should not be rejected. Should not be rejected. ठीक है, एक और केस लिखना है यहां पे, यूटी दादरा एंड नगर हवेली एंड अनदर वर्सेस फतेह सिंह मोहन सिंह चौहान. यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम लेंगे और मैं उसका आंसर भी आपको डिक्टेट करवाऊंगा. प्रॉब्लम लिखते जाना आप, ठीक है. Accused was fact like this. इस केस के fact like this. The accused was charged of murder. Accused was charged of murder. ये fact है केस के. उसके बाद हम आंसर भी लिखेंगे इसका. Accused was charged of murder along with other co-accused. Along with other co-accused. During the bail application and also while the opposing the remand application and also while the opposing the remand application the accused had clearly remand application the accused had clearly stated that at the relevant point of time he was at the office of district collector along with some other officer. Next paragraph. Thereafter, at the trial stage, the prosecution did not any efforts to summon the district collector as a prosecution witness. Later at the defense stage, the defense produced the two officers. The defense produced the two officers, TWO, two officers from the district collector office as defense witness to prove the plea of alibi after the closure of plea of alibi
after the closure of defense evidence. After the closure of defense evidence, the prosecution applies. The prosecution applies under section 311 CRPC. The prosecution applies under section 311 CRPC for the summon of district collector. For the summon of district collector himself, district collector himself as PWs. Shall the court allow the application? Shall the court allow the application? Next paragraph, next line. Objection of the defense is that it was amount to a rectification of mistake in case. It was amount to rectification of mistake in case. ठीक है, समझ गए? देखो क्वेश्चन इस तरह से है, accused है, मान लो सपोज A, B एंड C, थ्री accused है, मर्डर ट्रायल है, ठीक है? अब नाउ एट द टाइम ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, बेल के लिए अप्लाई किया, ठीक है? अब इसमें से जो ए ने जब बेल के लिए अप्लाई किया था, इसने अपना डिफेंस क्या दिया था यहाँ पे, कि आई वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन दैट स्पॉट एट द रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम. कहाँ था प्रेजेंट? ही वॉज इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस. कलेक्टर ऑफिस ए ने कब दिया था? जब बेल एप्लीकेशन, ये कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, बेल एप्लीकेशन में इसने क्या डिफेंस दिया था? कि ही वाज इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस एट रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ही क्रिएट प्ली ऑफ एलिबाई, जिसको हम प्ली ऑफ एलिबाई भी बोलते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट रिमांड की जब एप्लीकेशन आई, तो उसमें भी उसने यही डिफेंस लिया कि मैं तो उस जगह पे था ही नहीं, उस रेलेवेंट पॉइंट पर, मैं तो कलेक्टर ऑफिस में था, ठीक है? इट्स ओके. आफ्टर दैट अब सारा प्रोसीजर होने के बाद, बेल होने के बाद जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से कोई भी नो विटनेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस नो विटनेस एग्जाम, कोई भी विटनेस कॉल नहीं किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, ठीक है? बट जब इसकी एविडेंस क्लोज होगी, किसकी? प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज, पीडब्ल्यू क्लोज, आफ्टर दैट डिफेंस एविडेंस. अब डिफेंस एविडेंस में क्या किया? अब डिफेंस ने, ए ने क्या किया, यहां पे दो ऑफिसर, टू ऑफिसर प्रोड्यूस एज ए विटनेस. From district collector office. From district collector office. देखो अब इसने यहां पर क्या क्रिएट किया, plea of alibi under section 11 Indian Act. इसने ये defense लिया. अब plea of alibi, अब इसको disprove करने के लिए, प्ली ऑफ एलिवाई को डिस्प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने 311 की एप्लीकेशन लगाई, और उस 311 की एप्लीकेशन में प्रोसिक्यूशन चाह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही बुलाया जाए, जो रेलेवेंट पर्सन है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ अब किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर. उसको वो बर्डन प्रूफ रिमूव करना है. कौन सा? अब इन्होंने तो प्रूफ कर दिया, ही वाज इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस बाय द टाइम, और वो एंड फॉर दैट उसको प्रूफ करने के लिए कि वो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में था, उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने
दो विटनेस भी प्रूफ कॉल किया फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इलेक्टर ऑफिसर, बट इस बात को डिसप्रूव करने के लिए, इस फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए अब प्रोसिक्यूशन है 311, क्योंकि उसकी टर्न तो है नहीं, अब आउट ऑफ टर्न है, एट द सब्सिक्वेंट स्टेज है 311, बट इसका कहना था प्रोसिक्यूशन का, जी सबसे रेलेवेंट पर्सन तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, सबसे रेलेवेंट कौन है, जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में था तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुलाना चाहिए था इनको, इन्होंने दो ऑफिसर बुलाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नहीं बुलाया, किसने, डिफेंस ने, बट प्रोसिक्यूशन है उसी को वहां पे एग्जामिन करना चाहिए, उसके लिए उसने 311 की एप्लीकेशन है। अब ये डिसीजन होगा 311 की एप्लीकेशन अलाउ होगी कि नहीं होगी, बट सेकंड थिंग, अदर पार्टी क्लेम, अदर पार्टी का कंटेंशन ऑब्जेक्शन था ये तो आप रेक्टिफिकेशन करना चाह रहे, जबकि इनको पता था कि हमने बेल एप्लीकेशन में ऑलरेडी हमने प्ली अपील वाली, और कोर्ट ने बोला कि जो बेल एप्लीकेशन है वहां पे अगर कोई आप इस तरह से ग्राउंड देते हो दैट इज नॉट एविडेंस, तो वो एविडेंस ट्रायल पर्पज के लिए एविडेंस नहीं है, वो तो बेल एप्लीकेशन एक कंसिडरेशन था, देर एंड देन खत्म हो गया, ठीक है, एविडेंस हम ट्रायल पर्पज के लिए दैट इज नॉट एविडेंस, और सबसे बड़ी बात है प्ली ऑफ एलिवाई के लिए ये डिफेंस का राइट है, प्ली ऑफ एलिवाई का डिफेंस अपने तरफ से कैसे, मतलब प्रोसिक्यूशन पहले ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बता की वो पहले ये बात कैसे प्रूव कर देगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में नहीं था, सबसे पहले तो डिफेंस को रेज करना पड़ेगा प्ली ऑफ एलिवाई, जब डिफेंस रेज करके आफ्टर दैट वो बर्डन आएगा, क्योंकि प्ली ऑफ एलिवाई एक डिफेंस है, प्ली ऑफ एलिवाई डिफेंस लेता है, एक्यूज लेगा, ठीक है, कि वो जनरली क्या होता है प्रोसिक्यूशन तो ये बोलेगा इसी ने मर्डर किया है, अब बर्डन किसके ऊपर होगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, सॉरी डिफेंस के ऊपर होगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसने मर्डर नहीं किया है, ठीक है, अब सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन की टर्न आती है, अब प्रोसिक्यूशन की टर्न में अपने आप से प्लिया पहली भाई का कैसे ले ले वो डिफेंस, डिफेंस पहले ले ले, हो सकता है डिफेंस बाद में प्लिया पहली भाई का ग्राउंड ही ना ले, ये भी हो सकता है, तो इसलिए ये दैट इज नॉट रेक्टिफिकेशन, कोर्ट ने अलाउ कर दिया था इसमें, इट इज नॉट रेक्टिफिकेशन, इज जस्ट और अप्रोप्रिएट पर्सन, जो सब मतलब एक रेलेवेंट पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, जो उस बात को प्रूव और डिस्प्रूव कर सकता है कि वो रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम तो वहां पे था या नहीं था, जबकि प्लिया पहलवाई जो हमेशा है वो डिफेंस ही रेज करता है, और आफ्टर दैट उसको डिस्प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को एविडेंस देना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट रेक्टिफिकेशन, तो इसमें अलाउ कर, इसमें आंसर लिखिए आप, द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन, द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन प्रेजेंट केस, देखो जब आप, मैं ये कुछ फॉर्मेट आपको दे रहा हूं राइटिंग पे, ठीक है, तो आपको भी थोड़ा इसे आइडिया लेना कि हमने कैसे लिखना है, कुछ वर्डिंग सेम होगी हर क्वेश्चन में, जैसे मेन कंटेंशन ऑफ द प्रेजेंट केस, ये तो सभी में लिख सकते हो, आगे फैक्ट के अकॉर्डिंग उसको आप लिखो, ठीक है, द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन प्रेजेंट केस इज whether allowing the said application, whether allowing the said application, allowing the said application after the closure of defense evidence, after the closure of defense evidence would amount to a rectification of mistake by the prosecution and hence should not the application, should not the application be disallowed, irrespective of whether the interest of justice
required so. Next paragraph. Section 311 CRPC, though enables the court to summon, enable the court to summon a witness as a court witness, or upon parties application at any stage, it also make it mandatory by the use of the word shall in later part, that is the court shall summon the witness if it appear to be essential for justice or decision in the case. Next paragraph. Thus, as held in Rajendra Prasad versus, thus as held in Rajendra Prasad versus Narcotic Cell 1999 Supreme Court, irrespective of whether it amounts to rectification or not. Full stop. The witness shall be summoned. If it is essential for the just decision of the case. In the present case, firstly, it would not be a rectification of mistake, as the prosecution could not have the evidence to defeat the plea of alibi. Evidence to defeat the plea of alibi, unless the defense has proved, unless the defense
has proved, defense has proved the plea of alibi, the plea of alibi, and hence there was no occasion of prosecution at the stage of prosecution evidence. Prosecution evidence to have got the district collector summon. To have got the district collector summon. The earlier plea of defense. Plea of defense at the bail or remand stage. At the bail or remand stage. Cannot be said to have been the proving of the plea of alibi. At that stage, the evidence for the trial are not recorded. Next paragraph. Secondly, the district collector would be the best suited person to testify about the accused presence or absence in his office. As per purportedly purportedly the meeting took place before him in his office. Moreover, the defense has not produced district collector as a defense witness. Next paragraph. The district collector would be best person. District collector would be best person to contradict the testimony of alibi. Testimony of alibi given by other person
and hence his testimony is essential, and hence his testimony is essential for a proper decision of the case. Agla line likhna. Accordingly, the application shall be allowed. Accordingly, the application shall be allowed. Clear? ठीक है. तो इस तरह से आपको थोड़ा आंसर राइटिंग करना है. एंड नाउ एक केस लॉ लिखना इन द लास्ट. पीटर एंड अदर्स वर्सेस अबाइदा एंड अदर्स 2007 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, देखो इस केस में भी यही चीज डिस्कस हुई कि डिस्टिंक्शन बिटवीन शैल एंड मे. पहला सेकंड पार्ट में शैल वर्ड यूज हुआ है, फर्स्ट पार्ट में मे इन द सेक्शन 11 से आती है. एंड 311 इज द एनेबलिंग प्रोविजन एंड देन कोर्ट हैज वाइड पावर इन द सेक्शन 311, बट इट इज द जुडिशियल डिस्क्रिशन और जुडिशियल डिस्क्रिशन पर डिपेंड करेगा. और नेसेसरी टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर वो एसेंशियल है देन कोर्ट ऑर्डर करेगा, अदरवाइज कोर्ट नॉट ऑर्डर. ठीक है, so or then these two section are complement to each other, 311 and 165 of evidence. Okay, then now main aapko thoda sa provision is pe aap khud bana lena cpc pe. cpc mein aapke kuch provision hai jo aapko write with 165 karne hain. cpc ke kaun kaun se provision hai wo main aapko bata deta hu. dekho cpc ka sabse pehle aap order 16 rule 14 court mein कोर्ट में इनको रीड आउट कर लेना एक बार. इट्स ऑन अकॉर्ड समन एज विटनेस विटनेसेस विटनेस स्ट्रेंजर टू सूट. अगर कोई स्ट्रेंजर भी तब भी कोर्ट समन कर सकता है किसी भी सूट में, तो कोर्ट के पास वो पावर है. कहां पे है? सीपी सिविल सूट में. ये सिविल में एप्लीकेबल होगा, 311 क्रिमिनल में एप्लीकेबल होगा. आफ्टर दैट ऑर्डर 18 रूल 17. तो कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन ये पावर भी सीपीसी में दी हुआ है. कोर्ट के पास पावर है सिविल कोर्ट के पास, एनी कोर्ट. ऑर्डर 18 रूल 3A कैपिटल ए, पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेस. पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेस. तो ये प्रोविजन आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं. सेक्शन एक बार आप सेक्शन और ऑर्डर देखोगे, इसके रूल देखोगे, एकदम समझ आ जाएगा आपको. बस थोड़ा सा आइडिया आपने ले लिया इसका. देन नाउ द नेक्स्ट जो स्पेशल पावर ऑफ द कोर्ट है, दैट इज सेक्शन 313 सीआरपी. ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया सेक्शन 165 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 311 में डिस्कस कर लिया. देन नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पावर, दैट इज 313 सीआरपी 313. कोर्ट में अगर सुनते हो कि स्टेज भी है एक, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की स्टेज है 313. दैट इज टॉक्स अबाउट आपका पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड. पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, दिस इज पर्सनल, प्योर पर्सनल एग्जामिनेशन. पर्सनल एग्जामिनेशन बिटवीन कोर्ट एंड अक्यूज्ड. यहां पे कोर्ट और अक्यूज का, कोर्ट यहां पे अक्यूज का एग्जामिनेशन करेगा, पर्सनल एग्जामिनेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस आपका बेरक में एक बार रीडिंग करते हैं, आफ्टर दैट इसको डिस्कस करते हैं. 313 सीआरपी.
Because 313 CRPC, power to examine the accused, in every inquiry or trial, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appear in the evidence against him the court. अब देखो जब एविडेंस होती है अभी मैं स्टेजेस बताऊंगा तो स्टेजेस में कहां पे ये 313 एप्लीकेबल होता है में एट एनी स्टेज में दो क्लॉज में डिवाइड किया गया 313 क्लॉज 1 को टू क्लॉज में डिवाइड किया गया ए एंड बी सब क्लॉज में एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी बिना वार्निंग के बिना उसको बताया कि कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है मे एट एनी स्टेज मतलब डिस्कशन पावर ऑफ द कोर्ट किसी भी स्टेज पे कर सकता है सेकेंड शैल देखो फर्स्ट में क्या यूज हुआ है मे वर्ड यूज हुआ है सेकेंड में शैल After the witness for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense, question him generally on ethics. General जो rule होता है, prosecution witness जब close होती है, prosecution के total witness जब close होगी, फिर 313 होगी, ठीक है? उसके बाद defense witness होगी. मतलब second बोलता है mandatory है कि आपको तब तक आप examine नहीं कर सकते जब तक prosecution witness examine नहीं होती, 313 नहीं होगी, ठीक है? समझ रहे हो? मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या है मे एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चन टू हिम इन द कोर्ट पर्सन नेसेसरी कंसीडरेंस है अगर कोर्ट लगता है कुछ नेसेसरी क्वेश्चन है तो वो कभी भी पूछ सकता है लेकिन बी जो है वो आपका कंपलसरी है कि आपका एटलीस्ट मिनिमम वन कम से कम एक विटनेस का होना चाहिए प्रोसिक्यूशन उसके बाद ही आप 313 कर सकते हैं जनरल रूल तो यही कि जब पूरे क्लोज हो जाते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस आफ्टर दैट 313 की स्टेज आती है और बिफोर एंट्रिंग इन टू द डिफेंस एविडेंस मतलब डिफेंस एविडेंस से पहले ठीक है प्रोवाइडेड दैट इन समन केसेस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस्ड विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इट मे आल्सो डिस्पेंस विद द एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी की बात है ए की बात नहीं कर रहा बी सेकंड क्लॉज नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 1 और ये बिना ओथ के होता है एविडेंस जब भी रिकॉर्ड होता है ओथ पे होता है तो यहां पे बिना ओथ के होगा तो इसका भी रीजन बताता हूं क्यों बिना ओथ के होगा The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer in such question and or by giving false answer to him. The answer given by the accused may be taken into consideration in such inquiry trial, putting evidence for the or against him in any other inquiry trial into trial for any other offense which such answer may tend to show he has committed. The court may take help of the prosecutor and defense counsel in preparing relevant question which are to be put to the accused and the court may permit filing written statement मतलब written में भी आप दे सकते हो submission by the accused as sufficient compliance of this section ठीक है this section now the इसको detail में discuss करते हैं देखो 311 just एक section ऐसा section है जो examination of the accused under section 311 और that is not on oath और 311 का जो जनरली हम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग देखते हैं जब आपका ट्रायल स्टार्ट होता है ट्रायल में पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज फिर डिफेंस एविडेंस फिर डिफेंस एविडेंस क्लोज अब बात है कि 313 का एग्जामिनेशन कहां पे हो क्या दोनों के एविडेंस क्लोज होने के बाद हो गए या इंडिपेंडेंट हो गए अब यहां पे 313 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ए एंड बी 313 क्लॉज 1 ए और क्लॉज बी अब ए को तो हम एनी स्टेज पे किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं बट ए यहां पे मे वर्ड यूज हुआ है शैल नहीं हुआ लेकिन जो बी है 313 का जो एग्जामिनेशन होता है जनरली कोर्ट में आप जब देखोगे तो इस स्टेज पे होता है मतलब जब आपकी प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो जाएगी आफ्टर दैट 313 की स्टेज है जनरली हम 313 बोलते हैं लेकिन मैक्सिमम कोर्ट में एक्चुअली मे बी किसी बहुत सारे एडवोकेट्स को पता नहीं होता है कि 313 एक्चुअली एग्जामिनेशन हो कहां पे रहा तो वहां पे 313 का जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो आपका 313 क्लॉज 1 बी के अंदर हो रहा है ठीक है 313 क्लॉज 1 बी आफ्टर क्लोजिंग द प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब एक बार क्लोज हो जाती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस फिर 313 का स्टेज आता है और बिफोर एंटरिंग इनटू द डिफेंस एविडेंस
डिफेंस एविडेंस से पहले और प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद कौन सी स्टेज आती है 313 की, जिसको हम बोलते हैं प्योर पर्सनल एग्जामिनेशन बिटवीन मजिस्ट्रेट और एक्यूज्ड। ठीक है, देखो दिस इज द प्योर पर्सनल एग्जामिनेशन एक्यूज्ड और बाय द कोर्ट। ठीक है, पर्पस व्हाट इज द पर्पस फॉर दिस, द पर्पस ऑफ दैट दिस सेक्शन, तो पर्पस एक्सप्लेन रिगार्ड, क्योंकि यहां देखो ये क्यों रखा गया यहां पे 313 क्यों रखा, इसका मेन मकसद क्या है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन किसके अगेंस्ट प्रूव करेगा, किसके अगेंस्ट प्रूव करेगा, एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव करेगा। अब कोर्ट पूछेगा कि देखो प्रोसिक्यूशन ने ये आपके अगेंस्ट प्रूव कर दिया है, अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर बताओ, आपके अगेंस्ट ये सच एंड सच एविडेंस आपके अगेंस्ट है, आप बताओ ये क्यों बोल रहे हैं, ये झूठ, ये विटनेस क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये आपके फोटोग्राफ है क्या, आपके ही फोटोग्राफ है क्या, ये इन विटनेस ने क्यों झूठ बोला आपके अगेंस्ट, तो वो क्लैरिफिकेशन कहां देगा पर्सनल एग्जामिनेशन में। अगर उसको कुछ जनरली क्या होता है, आप देखते हो कोर्ट में अक्यूज आता है बस खड़ा होता है चले जाता है, ठीक है, उसको उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है, दिस इज द वन स्टेज है जहां पे अक्यूज से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब जहां पे अपनी बात रखने का उसको हक है कि वो 313 में अपनी बात रखे, 313 में वो जो एक्सप्लेन करेगा कोर्ट को कि मेरे अगेंस्ट क्यों बोला गया, ठीक है, कुछ अपनी बात रखेगा कोर्ट के सामने, वट एवर जो भी उसका डिफेंस है, आफ्टर दैट वो डिफेंस में एंटर जरूर करेगा, डिफेंस में भी एंटर करेगा, तो देन दैट इज द एविडेंस प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड, उसको एक्सप्लेन करने के लिए 313 का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और विदाउट एनी ओथ, और सबसे बड़ी बात है विदाउट एनी ओथ, कोई ओथ नहीं हो, जैसे आप एविडेंस लेते हो ना ऑन ओथ की, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोला, एक्चुअली जो ओथ है इस स्टेज पे ओथ नहीं होगी 313 पे, जब आप ओथ लेते हो किसी ऑन ओथ अगर एविडेंस करवा रहे हो, दो चीजें वहां क्रिएट होती है, फर्स्ट तो फियर एलिमेंट रहता है कि मैं जो मुझे जो बोलना है या तो सच बोलना है, ठीक है, एक्सेट्रा, दूसरा अगर आपने ओथ ले ली तो अपोजिट पार्टी को राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिल जाता है, अपोजिट पार्टी को कौन सा राइट आ जाता है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिल जाता है, लेकिन दिस इज विदाउट ओथ, विदाउट ओथ, ठीक है, तो यहां पे अगर आपका 313 क्लॉज 1A है तो विदाउट वार्निंग होगा, लेकिन 313B में तो पता ही होता है कि इसके बाद 313 होने, उसमें तो डेट लगती है 313 में, ठीक है, तो 313 इज ऑल्सो वन मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, एक तरह से नेचुरल जस्टिस है, उसको भी हियरिंग हो रही है, किसकी, आपका फेयर ट्रायल होना चाहिए, आर्टिकल 21 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि किसी भी अक्यूज को, कोई भी अक्यूज हो, उसको राइट टू फेयर ट्रायल का, फेयर ट्रायल का राइट है, ठीक है, स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल के राइट है अक्यूज को, ठीक है, ये हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे, जब सीआरपीसी करेंगे तो ये सब राइट हम वहां पे करवाते हैं, ठीक है, और सेकेंड थिंग मेनका गांधी वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी बोलेगा 1978 का, उसमें बोलेगा फेयर ट्रायल का राइट है अक्यूज को, तो नेचुरल जस्टिस का राइट है, ऑडियल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, तो मींस यहां पे आपको प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है, लाइक अ एस्पेक्ट ऑफ इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग, जहां पे मजिस्ट्रेट इंटरफेयर करता है, मजिस्ट्रेट खुद एक्टिव होके पार्टिसिपेशन करता है, इनक्विजिटोरियल में एक्टिव होके पार्टिसिपेशन करता है, दैट इज आल्सो वन एक कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग, तो एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी 1A जो क्लॉज 1A कैन बी डन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पे हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है, बट दैट इज डिपेंड अपॉन प्रोसिक्यूशन, सॉरी मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पावर, बट जो एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 313 क्लॉज 1B है कैन बी डन कंडक्टेड आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस गेट्स ओवर, ठीक है, और बिफोर कमेंसेस द डिफेंस एविडेंस, ठीक है, 313 जो आपका एग्जामिनेशन होगा कंडक्टिंग आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस ओवर, एटलीस्ट वन विटनेस आपका, वन प्रोसिक्यूशन विटनेस आपका प्रूव होना चाहिए अगेंस्ट एक्यूज, आफ्टर दैट वो इसको करेगा, और दैट इज द जो आपका एग्जामिनेशन होता है हैज टू बी स्पॉन्टेनियस एंड प्योर पर्सनल नॉलेज ऑफ द एक्यूज, ऑब्वियसली एक्चुअल फैक्ट किसको पता होते हैं, एक्यूज को फैक्ट पता, जिसने अगर मान लो कोई क्राइम किया भी है तब भी उसको पता होगा, नहीं भी किया तब भी एक्यूज को पता होगा, ठीक है, तो दैट ही हैज टू गिव एक्सप्लेनेशन, और जो उसके अगेंस्ट एविडेंस प्रूव उसके रिगार्डिंग वो एक्सप्लेनेशन देगा, एंड देन अक्यूज शैल नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ओथ, मैं एक बार ही समझाऊंगा फिर डिक्टेशन भी करते हैं, ठीक है,
तो ओथ यहाँ पे नहीं ली जाएगी, बिकॉज विदाउट ओथ होगा, बिकॉज रीजन बीइंग आपका ओथ ओथ जो है, अगर ओथ एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं यहाँ पे, तो दैट इज कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ अक्यूज, उसकी फ्रीडम को कर्टेल कर देते हो आप, एंड फियर एलिमेंट क्रिएटेड अपॉन द अक्यूज, एंड देन मोर ओवर ओथ विल बी क्रिएटेड राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी पार्टी को राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिल जाता है अगर आप ओथ लेते हो, ओथ करता है पर्सन यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लिख लो आप इससे पहले, सेक्शन 313 सीआरपीसी, सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी गिव्स एन एडिशनल पावर टू द कोर्ट, gives an additional power to the court conducted the trial to personally examine the accused upon the evidences that have been proved against him, and there has to be no interference. No interference by the lawyer or counsel in such examination. Next paragraph. It is a pure personal examination. It is a pure personal examination between the court and the accused for the purpose of enabling the accused to personally give the explanation. If he has any regarding the evidence proved by the prosecution. Next paragraph. The examination has to be done. आप point wise भी बना सकते हो इनको, ठीक है. The examination has to be done without oath. Without oath. Next paragraph, next line. The examination has to be spontaneous. Examination has to be spontaneous, and it is purely from the personal knowledge. And it is purely from the personal knowledge of the accused that he has to give the explanation. Next paragraph karo aage. That he has to give the explanation. That he has to give the explanation. Next paragraph.
Section 313 CRPC is a manifestation of the principle of natural justice is an aspect of inquisitorial proceeding. Next point. The examination as per section 313 clause 1A. The examination as per section 313 clause 1A of CRPC can be done at any stage, but in section 313 clause 1B, it is compulsory to conduct the examination after the prosecution evidence has been closed and before the defense evidence has commenced. It is also implicit the examination of section 313 CRPC can be conducted only after some prosecution evidence or at least one prosecution evidence has been proved. Next paragraph, next point. As per section 313 clause 2, oath pe likhwa raha hoon, the accused shall not be administrative any oath. The reason is number one, by administrating oath there will be curtailment upon the freedom of the accused. And of fear being perjury, perjury under section 193 IPC has been created.
ठीक है, द फियर एलिमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय द ओथ, will defeat very purpose of section 313 CRPC. second point, oath will also created, oath will also created right to cross examination, to the opposite party, which will not possible, because 313, is a proceeding purely between the court and accused. Clear? ठीक है. Then now if मान लो कोई irregularity होती है, अगर मान लो irregularity under section 313, अगर आप 313 की प्रोसीडिंग ही कंडक्ट ना करते तो क्या होता. ठीक है, देखो जो एग्जामिनेशन है अगर आप नॉट कंडक्टेड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 313 अगर नहीं करता है कोर्ट मान लो एग्जामिनेशन को, देन विल अमाउंट टू फेलियर ऑफ जस्टिस. एक तरह से नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर रहे हो. ठीक है, बट दैट इज क्यूरेबल डिफेक्ट. वो क्यूरेबल डिफेक्ट है अंडर सेक्शन 465 CRPC. इनक्यूरेबल नहीं, क्यूरेबल हो सकता है. एक्सप्लेनेशन आप वहां दे सकते हो कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 313 की जरूरत नहीं है तो होता है, दैट इज क्यूरेबल. जनरल रूल ये रहता है कि हमेशा कोर्ट यहाँ पे कंडक्ट करता है 313. इसके ऊपर केस लॉ लिखो इरेगुलरिटी के ऊपर. लतु महातो एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नाउ झारखंड. If section 313 CRPC, examination is not conducted, It will amount to failure of justice. Though it is curable defect. Under section 465 CRPC. It is curable defect under section 465 CRPC. That is, the examination will be, whether there has been any failure of justice or not. ठीक है. और दूसरा पॉइंट इसमें वही डिस्कस हुआ था कि सेक्शन 313 क्लॉज 1A डायरेक्टरी है, डिस्क्रिशनरी है, एंड 313(1)A कंपलसरी. ठीक है, लिख लो सेकंड पॉइंट इसमें. द एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 313 क्लॉज 1A is discretionary.
with the court, discretionary with the court. But say 13 clause 1b is compulsory. Say 13 clause 1b is compulsory. Then now हमने एक वर्ड पढ़ा, हमने कुछ लाइनें पढ़ी थी विरक्त में. विरक्त में देखना एक बार फिर से. विरक्त में प्रोवाइडेड करके दिया हुआ है. प्रोवाइडेड दैट इन समन केस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द केस, इट मे आल्सो डिस्पेंस विद द एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी. देखो जनरल रूल क्या है कि आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा अक्यूज, लेकिन अगर आपने किसी अक्यूज को डिस्पेंस करा, मान लो समन केसेस की बात, सिर्फ समन केसेस, केसेस होते हैं ना वारंट केसेस होते हैं समन केस, तो समन केस में डिस्पेंस जो एग्जम्पशन होता है, मान लो किसी की उसको हमने एग्जम्पशन कर रखा है उसको अपीयरेंस के लिए, कि आप उसको एग्जम्प्ट कर रखा है अपीयरेंस के लिए, कि उसको बार बार कोर्ट नहीं आना पड़ेगा, एक बार एप्लीकेशन लगा रखा है, तो अगर आपने उसके अपीयरेंस को एग्जम्प्ट कर रखा है तो आपके पास पावर है, उस कोर्ट के पास पावर है. किन केस में? समन केसेस में. तो उसकी पर्सनल एग्जामिनेशन में भी उसको डिस्पेंस कर सकते, मतलब एग्जम्प्ट कर सकते, क्लॉज बी के रिगार्डिंग. ठीक है, बी में लिखा सकते, मतलब 313 क्लॉज 1 बी इसके रिगार्डिंग उसको अगर कर रखा है तो वो डिपेंड अपॉन द मे व्हाट यूज हुआ है, तो डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट. लेकिन वारंट केस में अगर मान लो 317 सी एप्लीकेशन लिखती है, अगर उसमें डिस्पेंस रखे उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं. वारंट केस में कंपलसरी है कि उसको पर्सनल एग्जामिनेशन करने आना ही पड़ेगा. ठीक है, देयर इज नो नो प्रोविजन लाइक दिस. बट समन केसेस में 205 में वहां पे आपको यहाँ पे हो सकता है, अगर डिस्पेंस कर रखे तो उसको बाद में एग्जामिनेशन में भी उसको एग्जाम किया जा सकता है. वो डिपेंड अपॉन द कोर्ट डिस्क्रिशन पावर. एक केस लॉ लिखना या मुखर्जी, मुखर्जी वसील महकमा लीजिंग लिमिटेड 2008 सुप्रीम कोर्ट. प्लीज नोट ऑन नंबर 1, द एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी, द एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी एज टू बी अ प्योर पर्सनल एग्जामिनेशन, एज टू बी अ प्योर पर्सनल एग्जामिनेशन. नंबर 2, if the court has dispensed with the personal appearance, if the court has dispensed with the personal appearance of the accused in summon case, appearance of the accused in summon case, then the court may also dispense with the personal examination under section 313 CRPC. Personal examination under section 313 CRPC, but that is discretionary. That is discretionary. The court may still require the accused to be personally present for the examination
under section 313 CRPC. Agla paragraph. However, if the dispensation, from personal appearance under some other provision मतलब warrant cases मतलब bracket में कर लो 317 CRPC 317 CRPC then the examination under section 313 CRPC clause 1B will be compulsory. Clear out it. Summon cases में dispense हो सकता है लेकिन other cases में नहीं. ठीक है. तो ये देखो ये छोटे छोटे question pre के लिए भी very important होते हैं और आपके एक बार mains में भी इस तरह से आपको लिखना पड़ सकता है. Then next is a case is Mohan. Singh versus Prem Singh, 2002 Supreme Court. दो तरह की स्टेटमेंट होती है. मान लो जब कोई स्टेटमेंट देता है, ये 313 की स्टेटमेंट है, accused और इतना तो पता लग गया कि पर्सनल एग्जामिनेशन. अब मान लो सपोज accused ने इसमें दो तरह की स्टेटमेंट दी, एक एक्सकल्पेटरी और एक इनकल्पेटरी. इनकल्पेटरी मतलब इनक्रिमिनेट स्टेटमेंट, जो उसको क्रिमिनल ठहरा रही है. ठीक है, मिक्स स्टेटमेंट दी उसने, या एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट दी, या मिक्स फॉर्मेट. तो इन द अगर वो एक्सकल्पेटरी है, मान लो अपना डिफेंस दे रहा है, एक्सकल्पेटरी अपने आपको बाहर कर रहा, एक्सक्लूड कर रहा फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी से, तो मतलब अपना डिफेंस दे रहा है कि यूज इज नॉट गिल्टी. ऑब्वियसली अगर एक्सकल्पेटरी है, देखो मान लो सपोज उसने ये स्टेटमेंट एक्सकल्पेटरी है, तो अक्यूज इज नॉट गिल्टी. ठीक है, तो देन इट इज अपोजिट ऑफ इनकल्पेटरी एविडेंस. ठीक है, तो देन फेवरेट, बिकॉज एक्सकल्पेटरी जो स्टेटमेंट होती है, अगर वो एक्सकल्पेटरी एक्सप्लेनेशन करता है तो वो उसके फेवर में होगा ना, अक्यूज के अपने आप को वो मतलब बाहर कर रहा है क्रिमिनल उससे. सेकेंड थिंग इनकल्पेटरी, मान लो अगर उसने कुछ एडमिट कर दिया, उसने कोई इनकल्पेटरी जिसकी वजह से कोर्ट को भी सोचना पड़ रहा है कि अच्छा मतलब ठीक है, इन एविडेंस बन गया, दैट शोज और टेंड टू शो दैट पर्सन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्ट, उसकी इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है उससे, उस क्राइम सीन में इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है. लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हम सीआरपीसी में भी करेंगे. मान लो सपोज ए अक्यूज्ड है, वो अपने स्टेटमेंट में ये बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है कि मैंने खून होते हुए देखा, मैं वहीं पे था, कि इस पर्सन ने खून किया, इस पर्सन ने मर्डर किया. ठीक है, लेकिन जब इंक्वायरी की उस नेम का कोई पर्सन ही नहीं था, मतलब आप अपनी प्रेजेंस वहां ला रहे कि आपने देखा, मतलब यू आर प्रेजेंट देयर एट द इंसिडेंट प्लेस, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी शक जा रहा है. ठीक है, तो आपका जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके फेवर में नहीं जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है कि आप क्या कर रहे थे, वो आप उस रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे थे, बाकी तो और कोई नहीं था, एक आप थे, एक अक्यूज था, एक मर्डर था, सॉरी विक्टिम था. ठीक है, तो तीन पर्सन थे, मान लो सपोज वो किसी ट्रेन के डिब्बे में जा रहे थे, तीन ही पर्सन, और वो अपने स्टेटमेंट में बोलता है कि ये जो मैंने उस फलाना फलाना आदमी था, सच एंड सच पर्सन, मैंने उसको मर्डर करते हुए देखा, मैं वहां पे था और मैं बहुत डर गया था, मैं छुप गया था, एक्सेट्रा करके. ठीक है, लेकिन बाद में इंक्वायरी में पता चला जिस नाम का उसने आदमी का नाम लिया, वो आदमी नहीं है, उस पर्सन का कोई पर्सन ही नहीं है वहां पे, उस नेम का कोई पर्सन. तो मतलब आपने इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, मतलब आपके ऊपर शक जा रहा है, सस्पिशन. तो देन अब द प्रोसिक्यूशन हैज ड्यूटी, अ प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी क्या है, प्रोवाइड द ऑल एविडेंस,
वो अपना पूरा एविडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वेदर इट इज फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस और डिफेंडेंट केस, ठीक है, बट एविडेंस दैट जो शोज करता है पर्सन का इनोसेंस, तो उसके फेवर में काम आएगा एक्यूज के, अगर गिल्ट तो उसके अगेंस्ट काम आएगा। तो इसी तरह से अब जज की ड्यूटी है, अगर वो तो एक्सकल्पेटरी देता तो ऑब्वियसली 313 उसके फेवर में पड़ी जाएगी, ठीक है। 313 में मान लो प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया तो ठीक है उसके गिल्ट विद बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, आफ्टर दैट वो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे 313 में भी बोल देता है जो इनकल्पेटरी है, तो उसके अगेंस्ट जा रही है, मतलब 313 और प्रोसिक्यूशन स्टोरी वो मैच कर रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। बट मान लो सपोज प्रोसिक्यूशन तो गिल्ट, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का काम ही है गिल्ट प्रूव करना, वो तो गिल्ट प्रूव करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब वो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट देता है 313, तो वहां पे मैच नहीं हो रहा, इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक्यूज्ड वहां पे वो 313 एक्यूज्ड के फेवर में आ जाएगी, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के फेवर में नहीं आएगी। इस पे लिखो थोड़ा सा, इफ इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन 313 इफ इन द एग्जामिनेशन ऑफ 313 सीआरपीसी द एक्यूज्ड मिक्स्ड both exculpatory or inculpatory statement, both exculpatory and inculpatory statement, then the court has to examine, then the court has to examine whether exculpatory part is false, whether exculpatory part is false in light of prosecution evidence, in light of prosecution evidence, then the court into account inculpatory part, into account inculpatory part, so as to extra assurance to itself regarding the conviction of the accused. Agla paragraph. On the other hand, if it has to be found, that the exculpatory part are true and inculpatory part false, and inculpatory part false, then the court may take into account the exculpatory part and it may give a benefit of doubt to the accused if the prosecution evidence are not very strong, क्लियर हो गया। अगर तो एक्सकल्पेटरी तो उसके फेवर में है, सिंपल है, अगर इनकल्पेटरी तो उसके ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन के उसके फेवर, लेकिन सपोज अगर मिक्स होता है तो वहां पे कोर्ट का काम होता है कि कौन सा पार्ट फॉल्स है कौन सा ट्रू है वो कौन देखेगा, कोर्ट, बट किसके कनेक्ट किससे करेगा, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से कनेक्ट करेगा, ठीक है। देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंशियल वैल्यू ऑफ 313 सीआरपीसी।
व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ जो स्टेटमेंट होता है 3/13 की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, एविडेंस में आप किस तरह से उसकी वैल्यू देखी जाएगी। तो 3/13 सीआरपीसी नाउ सी दैट नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बिकॉज नॉट टेकन ऑन ऑथ, ओथ पे भी नहीं होता है, देन नॉट टेस्टिफाइड बाय द क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन से भी नॉट सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, ओनली दैट इज ओनली इंडिकेटिव। वो एक 313 सिर्फ कोर्ट के लिए एड की तरह काम करता है, ठीक है। जब और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव कर दिया, आफ्टर दैट 313 एक एक्स्ट्रा एश्योरेंस टू द कोर्ट कि कहीं प्रोसिक्यूशन में कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लिंक तो नहीं छूट गया, उस लिंक को वो 313 में देखेंगे। क्या अब अक्यूज में अगर मान लो कोई लिंक चैन है, क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चैन कंप्लीट है कि नहीं है, जो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया अगेंस्ट अक्यूज, आफ्टर दैट एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के लिए कोर्ट के एश्योरेंस के लिए 313 का एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब अक्यूज का क्या कहना है उस पे, उस बात पे, ठीक है, जो उसके अगेंस्ट एविडेंस है, तो उस लिंक को वो फाइंड आउट करने को, अगर कुछ टिंज बच जाता है उसको फाइंड आउट करने के लिए 313। तो जनरली क्या होता है, कोर्ट अपना प्रिज्यूम करके चलता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस कंप्लीट है, बट फिर भी वो एक लिंक होता है कि अगर मान लो कुछ लिंक उनको मिल जाता है कि जैसे इनक्रिमिनेट सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो लिंक वहां पे कंप्लीट हो जाता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो दिस इज ओनली जस्ट फॉर एक आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस का एविडेंस को कंप्लीट करता है, बट अगर स्टिल सम अगर टिंज रह जाता है उसमें माइंड में, कोर्ट के माइंड में थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि इसको कन्विक्ट करूं या नहीं करूं, लेकिन अगर वो इस डाउट को भी क्लियर कर देता है, अगर वो डॉट उसको क्लियर हो जाता है 313 कन्विक्टेड। बट याद रखना 316 बेसिस पे कभी भी अगर 313 में कोई एडमिशन लाता है तो उसी ग्राउंड पे कन्विक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ ओनली ऑन ओनली 313 में इनकल्पेटरी पार स्टेटमेंट दी है कि उसने, उस बेस पे आप कभी भी कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। आपको वहां पे प्रोसिक्यूशन ने जो प्रूव किया है प्लस 313 में एडमिशन, दोनों को आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए, तभी आप उसको कन्विक्शन कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली। अगर मान लो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव ही नहीं कर पाया, उसका गिल्ट प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि वो काम किसका है, प्रोसिक्यूशन का है, लेकिन 313 तो अक्यूज ने मान लो कुछ प्रेजेंस ले आई, एडमिशन ले आई 313 में, और जबकि प्रोसिक्यूशन फेल हो गया प्रूव करने, तो यू कैन नॉट कन्विक्ट अक्यूज ऑन ओनली ऑन ऑन बेस ऑफ आपका 313 के स्टेटमेंट पे, ठीक है। लिखो इस पे पहले केस लॉ लिखो, दो दिन केस लॉ लिखो, त्रिमुख मारुति किरकन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 सुप्रीम कोर्ट, गुलाबचंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1995 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस राजेंद्रन 99 सुप्रीम कोर्ट, एविडेंस की वैल्यू पे प्लीज नोट डाउन। द स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी, द स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी आर नॉट एन ओथ, or not subjected to cross examination, or not subjected to cross examination, and hence cannot be substantive piece. Cannot be substantive piece
of evidence as such. Evidence as such. Full stop. These statements are only, these statements are only indicative for the court, indicative for the court, and they provide only the missing link in the case, and they provide only the missing link in the case. Next paragraph. If the court finds the chain, if the court finds the chain of the circumstantial evidence are complete, circumstantial evidence are complete, but it still has some tinge of doubt, has some tinge, T-I-N-G, tinge of doubt on its mind, that is, whether to convict, that is, whether to convict or not to convict, not to convict of the accused, then the court may find the missing link, may find the missing link in the examination, missing link in the examination of section 313 CRPC, of section 313 CRPC. Next paragraph. If it find the accused, if it finds the accused does not have any, does not have any explanation to the evidence, or has irrelevant explanation, explanation to the evidence, or has irrelevant explanation, then it will be, believed, it will be believed, the chain of circumstantial evidence, circumstantial evidence is sufficiently completed, sufficiently completed, and it will find, and it will find an extra assurance, extra assurance for itself in the conviction of the accused, assurance for itself in the conviction of the accused. Next, the examination of section 313 provides, examination of 313 CRPC provides of the additional link, of the additional link in the chain of circumstantial evidence, additional link in the chain of circumstantial evidence. Next paragraph. A conviction cannot be based, a conviction cannot be based merely on the statement,
merely on the statement recorded under section 313. So if the prosecution evidence, does not contain evidence to sustain conviction, the inculpatory statement of the accused, in a statement under section 313 cannot be made sole basis of conviction. ठीक है, then now admissibility in other proceeding, admissibility of either, जो आप एडमिशन लेते हो, मान लो 313 की स्टेटमेंट में 313 क्लॉज 4 की बात कर रहा हूं मैं, अदर प्रोसीडिंग, मान लो दिस इज वन प्रोसीडिंग, पहली प्रोसीडिंग ये चल रही है, ये दूसरी प्रोसीडिंग, पहली तो ये प्योर पर्सनल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, बिटवीन एक्यूज्ड, मान लो सपोज एक केस में तीन एक्यूज्ड है, तीनों की 313 अलग अलग होगी, समझ गए, इकट्ठी नहीं होगी, तो अब एक ने, मान लो यहाँ पे ए ने यहाँ पे 313 दिया, बी ने भी 13 दिया, तो ए की जो स्टेटमेंट है बी के अगेंस्ट नहीं पढ़ी जाएगी, बी की स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट नहीं पढ़ी जाएगी, समझ रहे हो, वो उनकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 है कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट अदर पर्सन, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के अगेंस्ट आप एविडेंस यूज नहीं कर सकते, मीन्स कैन नॉट यूज अगेंस्ट अदर पर्सन और पर्सन, ठीक है, अदर अक्यूज, द को अक्यूज के अगेंस्ट आप इसको यूज नहीं कर सकते, होता है ना, जैसे कन्फेशन करता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 उसके दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट को यूज कर सकते हैं, बट देर आर सर्टेन रूल, कुछ रूल है कैसे आप किस परिस्थिति में उसको यूज करोगे, बट यहाँ पे सिर्फ हमने इतना समझना है कि आप उसको किसी दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, बट खुद के अगेंस्ट आप इसको यूज कर सकते हो, उस पर्सन के अगेंस्ट, अगर इसने कुछ एडमिट कर दिया कन्फेशन तो हम नहीं बोलेंगे उसको, इसको हम सेक्शन 21 में एज एडमिशन अगेंस्ट दिस पर्सन, ना एडमिशन क्या होता है, अगेंस्ट दिस पर्सन यूज होगी, तो इस पर्सन के अगेंस्ट यूज हो सकती है, किस पर्सन के, जिसने वो खुद स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, 313 की, तो सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, फिर या फिर उसको कॉरोबोरेशन सेक्शन 157, ठीक है, 159 इन सेक्शन में उसको यूज कर सकते हैं इस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, बट इट कंस्टिट्यूट एडमिशन, एक तरह से एडमिशन मानी जाएगी वो, कि उसने अपने ही अगेंस्ट को एडमिशन है, अगेन एडमिशन ऑलवेज आपका यूज होती है अगेंस्ट द पर्सन, नॉट इन फेवर ऑफ द पर्सन, ठीक है, ये तब तो सबने बोला था अपने अगेंस्ट अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें बोलनी थी और वो उसके अगेंस्ट यूज करना, बट एविडेंस एक्ट में सेक्शन 21 में अगेंस्ट द पर्सन जो एडमिशन करता है, ठीक है, सेकेंडली, बट अब ये तो होगी सेम प्रोसीडिंग, क्या ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट जो प्रोसीडिंग में दी है, क्या ये स्टेटमेंट इस ए के अगेंस्ट यहाँ पे जो सेकेंड प्रोसीडिंग है, अदर जो ट्रायल चला हुआ है यहाँ पे, अदर ट्रायल चला है यहाँ पे यूज हो सकता है, यस, यहाँ पे यूज हो सकता है, यस, ठीक है, तो कोई और प्रोसीडिंग भी चली हो, उसने मान लो कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे रखी हो प्रीवियस, जिसको हम अब जो अर्लियर यहाँ पे जो प्रोसीडिंग नंबर जो यहाँ ट्रायल नंबर वन कर रहा हूं मैं, ट्रायल नंबर वन एंड ट्रायल नंबर टू, ट्रायल नंबर वन में जो स्टेटमेंट दी उसने 313, उसको सेम प्रोसीडिंग में तो आप एज एविडेंस किसी दूसरे के प्रति यूज नहीं कर सकते, बट उसके अगेंस्ट यूज कर सकते, क्या दूसरी प्रोसीडिंग में कर सकते हो, तो देन अगर वो इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है
और देन इस वहां पे इसको हम एज ए सब्सटेंटिव एविडेंस मान सब्सटेंटिव एविडेंस मानेंगे यूज्ड इसको यूज कर सकते हैं एविडेंस एज प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ उसको प्रीवियस स्टेटमेंट मान बोलेंगे प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ सच पर्सन इसको यूज कर सकते हैं विल बी एडमिसिबल एज प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड इसको यहां पे एज एविडेंस एडमिसिबल कर सकते हैं सब्सटेंटिव एविडेंस किसमें दूसरी प्रोसीडिंग में कर सकते हैं लेकिन सेम प्रोसीडिंग में सब्सटेंटिव नहीं होगा क्लियर हो गया ये 313 क्लॉज 4 तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 313 मेरे ख्याल से एग्जॉस्टिवली कंप्लीट है सेक्शन 313 और डिक्टेशन भी ऑलमोस्ट आपको पूरी डिक्टेशन है विद केस लॉ ठीक है अब इसको आप एक बार अपना रिवाइज करो फिर ठीक है क्लियर देन नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 6 ऑनवर्ड रेस्ट गेस्ट एंड सेक्शन 7 8 ऑनवर्ड्स ठीक है